छियासवीं बजट से पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लगाई सरकार से गुहार। केंद्रीय बजट के पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री की 43वीं वार्षिक सामान्य सभा को संबोधित करते हुए फियासवी के चेयरमैन भरत गांधी ने कहा कि बजट के पहले वित्त मंत्रालय के समक्ष कई मांगे पेश की हैं। टेक्सटाइल में अलग अलग टैरिफ पॉलिसी के स्थान पर एक नेशनल पावर टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए। वीविंग और प्रोसेसिंग क्षेत्र में आयातित मशीन के स्पेयर पार्ट पर ड्यूटी घटानी चाहिए। वीविंग इंडस्ट्री की मुख्य मांग है कि पॉलिस्टर, नायलॉन और विस्कोस फिलामेंट यार्न वीविंग उद्योग को वैश्विक कीमत पर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, विदेश से आयातित यार्न के कच्चे माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को ट्रेंड की माहिती मिलती रहे, इसीलिए सूरत, सेलम, भिवंडी, बेंगलुरु सहित कपड़ा उद्योग के बड़े शहरों में कॉमन डिजाइन बनाना चाहिए। टेक्निकल और टेक्सटाइल सूरत भारत के सनराइज सेक्टर है। फिलहाल इसका व्यापार $82 बिलियन है, लेकिन इसमें भारत का हिस्सा 0.6% है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान यान की बड़ी कीमत कम होने पर भी चर्चा की। भारत में चीन विरुद्ध माहौल है, इसका ज्यादा लाभ वियतनाम और बांग्लादेश ले रहे हैं। लेबर के रहने के लिए सरकार की मदद से कायमी क्वार्टर बनाना चाहिए। भारत सरकार को जल्द ही यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रॉडवेज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए तथा जिन देशों को मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया है उन पर विचार करना चाहिए और फाइबर न्यूट्रल टेक्स्ट पॉलिसी अमल में लेनी चाहिए। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।